हम शुरू कर रहे हैं अनरैपिंग, जो टेक्सचर करने में हमेशा काम आएगी, किसी भी चीज़ को मॉडल करने के कारण उसके यूवी कोऑर्डिनेट्स मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल टेक्सचर एक्सिस खराब हो जाते हैं, तो आज हम वो सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ और मुझे इस बॉक्स के ऊपर एक बुक का टेक्सचर चढ़ाना है, तो देखते पहले कोई टेक्सचर चढ़ा के कि कैसा आ रहा है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो हम उसको अनरैप करेंगे। राइट क्लिक, मैंने आपको बताया था लैम्बर्ट लेते हैं, लैम्बर्ट लेने के बाद यहाँ पे कलर लेते हैं, फाइल, देन फाइल में आप ले सकते हो कोई भी इमेज, तो हम एक बुक के टेक्सचर की इमेज ले रहे हैं। मैं ये टेक्सचर ले रहा हूँ, टेक्सचर नहीं दिख रहा, प्रेस 6 फॉर टेक्सचर व्यू, तो देख रहे हो तो बहुत अजीबो गरीब आ रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, अब देखो कि एक्सट्रूड करोगे ना टेक्सचर भी खराब हो रहा होगा। एक्सट्रूड मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके साइड के जो कवर है उसकी थिकनेस दे सकूँ, तो मैंने हल्का सा स्केल किया, देखो यहाँ पे खराब होना शुरू हो गया। और ज्यादा एक्सट्रूड, अंदर की साइड, ये जो पॉलीगन्स है ये पेपर्स का काम करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस पे तो व्हाइट कलर चढ़ा देते हैं, सिंपल लैम्बर्ट ले लो और व्हाइट, तो हमारी बुक बन गई। अंदर से लग रहा है ये पेपर से, पर ये नहीं लग रहा कि ये बुक का कवर एक्यूरेटली चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या करो, विंडो में आता है यूवी एडिटर, देखो यूवी एडिटर बार बार आपको यहां से खोलना पड़ रहा है, तो बेस्ट है आप इसकी शॉर्टकट बना लो। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, विंडो में जाओ, सेटिंग में जाओ, हॉटकी एडिटर, यू शॉर्टकट बना देना, कहां पे ढूंढोगे, मेन्यू आइटम में विंडो के अंदर यूवी एडिटर, सिंपल प्रेस यू। अगर यू किसी की शॉर्टकट है पेंट ऑपरेशन की, पर हमारे काम की नहीं है, देन सेव कर दो। अब देखोगे मैं जब भी यू प्रेस करूंगा यूवी एडिटर खुल जाएगा। यू, एनी डाउट्स, यू, तो देन इसे सेलेक्ट करो, जो टेक्सचर हमने चढ़ाया है वो यहां पे दिख रहा है, उसको कभी भी यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, फॉर अ टाइम ऑफ कर देते। अब आप देख रहे हो ये टी बना हुआ है, ये टी सेपरेट पॉली है, ये वाला पॉली यहाँ है, तो यहाँ पे जितना भी टेक्सचर होगा इस एरिया का उतना ही दिखेगा। मैंने ग्रिड यहाँ से ऑफ कर दी, इतना ही टेक्सचर क्रॉप होके यहाँ दिख रहा है, जबकि हमें क्या दिखाना है, ये पूरा दिखाना है इस पॉलीगन पे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो सारे पॉलीगन्स हैं ना अलग अलग हैं, ये वाला, ये रहा, इतना एरिया ही इस पर दिख रहा है, फिर ये वाला, ये रहा, इतना एरिया इस पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एरिया मुझे उठा के फिलहाल यहाँ रफली रख देना है यहाँ पे। तो रखने के लिए राइट क्लिक यूवी या F12 करना है, या राइट क्लिक करके यूवी देख जाना। अब तक हमने क्या किया था, वर्टेक्स यूज किया था, एज यूज किया था, फेस यूज किया था, यूवी नहीं यूज किया था, अब हम यूवी यूज करेंगे।
यूवी इस यूवी एडिटर के लिए ये होता है, व्यूपोर्ट के लिए नहीं होता। और वर्टेक्स, जैसे अगर वर्टेक्स मोड में है तो यहाँ वर्टेक्स मोड काम नहीं करेगा, यूवी मोड काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि मेरा मेन एरिया खाली हो जाए। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पूरा पॉलीगन इस पूरे जितना करना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन क्योंकि फ्लैट है, तो फ्लैट के लिए हमेशा प्लानर यूज होता है। तो आप क्या करो, यूवी आ रहा है यहां पे ऊपर, यूवी मेन्यू, यहां से ले लो प्लानर, अब वो मांग रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। बेस्ट प्लेन करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेस डिटेक्ट कर लेगा, पर हमें खुद भी करना आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई अब हम डिटेक्ट करेंगे कौन सा एक्सेस हमें करना चाहिए। प्लेन का एक्सिस कैसे डिटेक्ट करते हैं, उस प्लेन की तरफ जो परपेंडिकुलर एरो हो वो उसका एक्सिस है। कौन सा एरो है परपेंडिकुलर उससे, जेड, तो जेड सेलेक्ट करो एंड अप्लाई। अब देखोगे वो पूरा का पूरा पॉलीगन यहां से कट के इस पूरे पे आ गया। अब स्केल करा सकते हो, हमें पूरे पे नहीं चाहिए, खाली इतने पे चाहिए, होगी क्रॉपिंग। अब यूवी मोड से भी कर सकते हो ये क्रॉपिंग कि कितना एरिया चाहिए, एक तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर। देन बैक साइड वाला, बैक साइड वाले का कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, सेम जेड आ रहा है ना, सीधा निकल के उससे वही सेम जेड। ये मुझे यहां तक रखवाना है, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, पर क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है आपका ये वाला एरिया, टेक्सचर उल्टा आ रहा है। तो आप क्या करो, ये वाले यूवी सेलेक्ट करके फ्लिप करा सकते हो, फ्लिप, देखो ये ए बुक उल्टा आ रहा है, फ्लिप कराने पे ए बुक रियली स्ट्रगल टू पुट डाउन, अब सीधा हो गया, समझ आया। अब ये वाला टेक्सचर ठीक करना है, तो इसका परपेंडिकुलर बताओ कौन सा एक्सिस आ रहा है, इस पॉलीगन के परपेंडिकुलर सीधा एक्स आ रहा है, एक्स लेना, या बेस्ट प्लेन भी ले सकते हो, बेस्ट प्लेन में देखो ऑटो डिटेक्ट हो गया, अपने आप कर लिया उसने। तो बन गई आपकी बुक, अब आप इस बुक की कॉपी ले सकते हो, लाइब्रेरी बनाने के लिए रैंडमली रोटेशन होनी चाहिए बुक में। ऐसे होती ना लाइब्रेरी पड़ी हुई शेल्फ के बीच में बुक्स, हिट रेंडर, समझ आया कौन सा टेक्सचर कैसे चढ़ाना है। तो